welcome students welcome to the next lecture of english language and literature CBSE class 10 second term syllabus today we are going to do worksheet number 44 uh, sent by directorate of education this is related to chapter number 7 of your book first flight the title of the chapter is glimpses of india and this is related to the third part of it that is tea from assam let's go with it

Uh, कैसे बनती है उसके बारे में पढ़ना कैसे उगाई जाती है इसके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो वेकेशन में प्रांजौल के साथ राजवीर भी उसके घर जा रहा है ठीक है अब वो क्या कर रहे हैं वो चाय पी रहे हैं रास्ते में ट्रेन में ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट उनकी जो कंपार्टमेंट था जिस ट्रेन में वो बैठे हुए थे जिस डब्बे में वो बैठे हुए थे सभी वहां पे जाकर चाय पी रहे थे तो अब उसमें से अब राजवीर मैंने आपको बताया बहुत इंटरेस्टेड रहा तो राजवीर बोला डू यू नो दैट ओवर एट्टी करोड़ कप टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड में ज्यादा से एक दिन मेंोड़ से ज्यादा कप चाय पी जाती है मुझे पता ही नहीं था दोन आसामी प्लांटेशन बट ही इंटरेस्टेड इन इट ठीक है तो उसने क्या जवाब दिया टी या द रिय रियल सॉरी टी रियली इज वेरी पॉपुलर ठीक है द ट्रेन पुल्ड अपट ऑफ द स्टेशन ट्रेन चल पड़ी जो प्रांजोल है वो अपनी एक डिटेक्टिक डिटेक्टिव बुक को पढ़ने लगा और राजवीर जो था वो भी एक आर्डेंट फैन था बहुत अच्छा फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का लेकिन उस समय उसको क्या अच्छा लग रहा था वो बाहर ब्यूटीफुल सीनरी देख रहा था ट्रेन से बाहर ग्रीन ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर उसने अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इतनी ग्रीनरी ग्रीन हमें देखने को नहीं मिलती है तो राजवीर ने कभी इतनी ग्रीनरी पहले देखी ही नहीं थी उसके बाद पेडी फील्ड आ गए ग् राइस फील्ड आ गए फिर बुशेज आ गई टी बुशेज आ गई ठीक है और ये मैग्निफिसेंट व्यू उसको लग रहा था बहुत ही सुंदर उसको दृश्य नजर आ रहा था अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स और जो हिल्स थे जो पीछे हिल्स थे वो वुडेड थे मतलब उसके ऊपर थे ठीक है और सी एज सी ऑफ टी बुशेस ट्रस्ट एज फार एज द आई बाहर ट्रेन से बाहर सी मतलब इतना विशाल इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जगह थी जहाँ पे सिर्फ टी की झाड़ी नजर आ रही थी जितना जितना बड़ा सी दिखता है उतना बड़ा हमें सिर्फ टी बुशेस दिखाई दे रही थी जहां तक वो देख सकता था उसके आगे उसको वहां तक सिर्फ टी ही टी की प्लांटेशन नजर आ रही थी ठीक है तो ये तो हो गया और राजवीर की कहानी से थोड़ा सा हमने पार्ट पढ़ लिया है अब इसके हम कुछ करने वाले हैं तो राजवीर वॉज ऑन अ जर्नी टू सी हिज फर्स्ट टी गार्डन ही वॉज फीलिंग एक्साइटेड पहली जर्नी थी उसकी तो वो एक्साइटेड फील कर रहा था चूज द ऑप्शन दैट तो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू इसमें से दो ऐसी बताने हैं जो ट्रू नहीं है तो देखिए पहले वाला दे थे नहीं वो स्टीमिंग हॉट टी पी रहे थे तो पहला ही गलत है उसके बाद हम देखते हैं और ऑप्शन राजवीर वॉज मिसमराइज ब्यूटिफुल व्यू आउट राजवीर को बाहर देख के बहुत अच्छा लग रहा था वेरी करेक्ट राज प्रांजोल वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अ बुक प्रांजोल को बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा था बिल्कुल सही पाइन ट्रीज ऑन द माउंटेन पाइन ट्रीज के बारे में कहीं मेंशन नहीं है तो फर्स्ट और फोर इसका मतलब फर्स्ट और फोर कहा स्टेटमेंट जो है हमारी वो ट्रू नहीं है ठीक है हमें वो नॉट ट्रू वाला ढूंढना था बेटा ठीक है तो डी ऑप्शन हो गया इसमें ए ऑप्शन हो गया आगे चलते हैं सी पार्ट में द एक्सट्रैक्ट यूज द फ्रेज गेव वे पिक आउट द ऑप्शन दैट इज नॉट यूज विद गेव अब यहाँ पे ऐसे कुछ फ्रेजेस होते हैं जैसे गिव अ मिस गिव अ ब्रेक तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गेव के साथ नहीं जाता है गेव अ बेल का मतलब होता है प्लीज गिव मी बेल वेन यू आर गोइंग आउट मुझे मुझे एक फोन uh, कर देना छोड़ने के लिए तैयार हूँ आई गेव दैट ठीक है तो मैंने उसको गिव अप कर दिया गेव अ गेव अ ब्रेक किसी को आप कोई नया ब्रेक दे रहे हो नई जॉब दे रहे हो तो मैंने उसको चलो ब्रेक दे दिया है मूवीज में ब्रेक मिल गया जैसे कहते हैं ना आई गॉट अ ब्रेक इन द मूवी तो मुझे गेवर शट नहीं होता है बेटा तो गेव शट होता है तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है गेव के साथ थर्ड शट नहीं जाता है ठीक है चलिए आगे आ गए अब हमारी टी ओरिजिनेट कैसे हुई थी टी का ओरिजिन क्या था तो एक तो चाइनीज लेजेंड है एक इंडियन लेजेंड है ठीक है मैंने वो आंसर नीचे कंपोज किया है देखिए एक है अब वो दोनों ही लेजेंड हमको बताने हैं द वन लेजेंड इज अबाउट अ चाइनीज एम्पर एक चाइना का एम्परर था हमें नाम नहीं बताया गया जो पानी को बॉयल करके ही पीता था तो अब बॉइलिंग कैसे होती है आपको लगता है, है? है तो अब वो, वो ट्विग्स जो थी उसमें से एक लीफ मतलब तो थो 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 ब्रांचेस थी जिसमें से वो के पानी को बॉयल कर रहा था जिसके ऊपर रखे उसमें से एक दो लीव जो थी फ्यू लीव वो पानी में गिर गई और वो पानी के साथ उबल गई और जब वो उस राजा ने उस पिया तो उसको एक डिलिशियस फ्लेवर आया उसको एक अलग सा फ्लेवर आया और कहा जाता है कि वो टी लीव थी तो ये आईलेट्स को काट दिया था आईलेट आंखों को आई लेशेस अलग होती है आई लेट जिससे आप आंख को बंद करते हैं उसको काट दिया था क्योंकि स्लीपी क्योंकि उनको जब मेडिटेशन करनी थी एक साधु थे जब वो मेडिटेशन कर रहे थे ध्यान लगा रहे थे उनको नींद आ रही थी तो उसने सोचा कि अगर मैं अपनी अपनेट्स को काट दूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी मेरी आंखें बंद नहीं होगी ठीक है तो उन्होंने अपनी आईलेट्स को काट के उसको थ्रो कर दिया और कहा जाता है जहां उन्होंने थ्रो किया वहां पे एक प्लांट होगा <laughs> जिसमें से टेन टी प्लांट्स ग्रो किए उस आईलेट्स को जिन्होंने जहां फेंका था ठीक है और अगर उस प्लांट की लीव्स को अगर हॉट वाटर में बॉयल करके पिया जाता था तो उससे जो नींद थी वो दूर भागती थी तो ऐसा माना जाता है ये दो कहानियां है दो लेजेंड्स है मैंने आपको लिख दिए हैं एक चाइनीज लेजेंड एक इंडियन लेजेंड ठीक है आपको बुक में भी मिल जाएगा ये इजीली अब इन्होंने क्या किया है इन्होंने टेक्स्ट की जो कॉन्वर्सेशन है ना उसके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जोड़ दिया है और उसके आपसे आप लिखने के लिए कहा है ये अब ये मिस्टर बर, बारुआ कौन है ये जो है ये प्रांजौल के फादर है और ये राजवीर और प्रांजौल को स्टेशन से घर ले जाने के लिए आए हैं ठीक है अब वो क्या बोल रहे हैं इज दिस द द फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड मिस्टर राजवीर से राजवीर ने उनसे पूछा कि ये आ, स्प्राउटिंग सीजन है ना सेकंड स्प्राउटिंग सीजन है ना टी का अब आपने इसको इनडायरेक्ट में करना है देखिए बेटा ये इंटेरोगेटिव है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया हुआ है मैं आपको इरेज करके दिखाती हूँ वैसे भी आपको स्टेटमेंट के पता चल रहा होगा तो इस दिस तब यहाँ पे हम इफ लगाएंगे इफ लगाना पड़ता है जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता है और हमें इसको आगे लाना पड़ेगा और इसका टेंट भी चेंज करना पड़ेगा आप मेरी डायरेक्ट इन डायरेक्ट वीडियो देखिए आपको समझ आ जाएगा कैसे किया जाता है इफ दैट वॉज हो जाएगा ठीक है तो पहले का आंसर आ गया इफ दैट वॉज The flush or the और फुल स्टॉप हमने वॉस को सब्जेक्ट के आगे प्लेस कर दिया है आगे चलते हैं, वाला देख लेते हैं. एक वो उसने बोला स्प्राउटिंग पीरियड जो है वो मई टू जुलाई चलता है और बढ़िया सी टी वाली लीव इस सीजन में आती है तो बेटा ये फैक्ट है इसको हम इसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एक फैक्ट है इसका टेंस ऐसा का ऐसे ही रहेगा तो बस यहाँ पे हम दाट लगाएंगे दैट इट लास्ट आगे कुछ चेंज नहीं होगा तो इसमें आ जाएगा दैट इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड इज द बेस्ट टी ये इसका टेंस चेंज नहीं किया हमने इसको क्यों लास्टेड नहीं किया क्यों इल्डेड नहीं किया क्योंकि ये एक फैक्ट है कि जो टी लीव्स हैं या जो टी की प्रोडक्शन है वो इस मंथ में ज्यादा अच्छी होती है

तो उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को उसका लिटरेचर के साथ जोड़ दिया है मैंने आपको आंसर दिखा दिए हैं होपफुल ये आपको समझ आ गया है आई वुड कीप ऑन अपलोडि दीडियोज वुड बी सेंड सॉरी दर्कशीट दैट वुड बी सेंड बाई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्टे कनेक्टेड